भगवान श्री कृष्ण जब बचपन में छोटे थे तब अपने भाई बलराम के साथ जो है इसी स्थान पर जो है खेलने कूदने के लिए आया करते थे। हम पे आरती होता, उस आरती को देखने के लिए दूर दूर से रोजाना काफी लोग आते। यहाँ पे देख सकते हैं सभी लोग जो राधे कृष्ण के धुन पे झूम रहे हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो गाइज, स्वागत है आप लोगों को वृंदावन के फिर से एक नए वीडियो में। गाइज, तो इस ब्लॉग में हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं वृंदावन का सबसे खास और खूबसूरत मंदिर, प्रेम मंदिर। के बाद अगर कोई खूबसूरती के बारे में अगर किसी मंदिर का नाम आता है तो वो है इस्कॉन टेम्पल, जिसे सभी लोग जो है श्री कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जानते होंगे। गाइज, तो अभी देख सकते हैं शाम हो चुका है और शाम के टाइम हम आ चुके हैं वृंदावन के इस्कॉन मंदिर के पास और आप लोगों को पूरा इस्कॉन मंदिर का टूर करवाएंगे। शाम में जो है काफ़ी खूबसूरत लगता है इस्कॉन टेम्पल। चलते हैं गाइज मंदिर के अंदर और फिर हम आप लोगों को पूरा इस्कॉन टेम्पल घुमाएंगे और दिखाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। गाइज, प्रेम मंदिर के पास है, देख सकते हैं यह है प्रेम मंदिर और प्रेम मंदिर से बस कुछ ही दूरी पर है इस्कॉन टेम्पल। नए लोगों के लिए बता दे गाइज कि बस मात्र 2 कदम की दूरी पर है इस्कॉन टेम्पल। तो सबसे पहले आप अगर आप आते हैं तो प्रेम मंदिर घूम लीजिए, उसके बाद जस्ट बगल में है इस्कॉन टेम्पल। प्रेम मंदिर का वीडियो हम बना चुके हैं, नहीं देखे तो जल्दी से जाके देखिए भैया, उसके बाद इस्कॉन टेम्पल का वीडियो देखिए, मजा आ जाएगा आप लोगों को। फिर से गाइज हम अपने दोनों गालों पे देख सकते हैं राधे राधे लगवा चुके हैं। ये जो है ना, लगाने के बाद एक अलग फील आता है, इसी वजह से देख सकते हैं सभी लोगों के गालों पे यहाँ पे देखिएगा तो राधे राधे का टीका जो है लगा हुआ रहता है। तो फाइनली वृंदावन का इस्कॉन टेम्पल श्री श्री कृष्ण बलराम टेम्पल के पास हम आ चुके हैं। गाइज देख सकते हैं यही है मेन गेट और इधर एग्जिट गेट, तो हम इसी गेट के माध्यम से अंदर चलेंगे। शूज वगैरह पहन के आते तो बाहर खोल सकते हैं, उधर से राउंड करते हुए आप मंदिर के अंदर जा सकते हैं। भीड़ आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। अगर कुछ भी आप सामान लेके आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्री में रखा जाता है। यहाँ अगर शूज वगैरह भी रख सकते हैं या कोई सामान भी लाते हैं तो आप झोला में करके यहाँ पे फ्री में मुफ्त में आप रख सकते हैं, आपको टोकन मिलेगा और जमा करने के बाद इधर से देख सकते हैं एंट्री है। इतिहासों का कहना है कि यहाँ पे जो है भगवान श्री कृष्ण जब बचपन में छोटे थे तब अपने भाई बलराम के साथ जो है इसी स्थान पर जो है खेलने कूदने के लिए आया करते थे, इसी वजह से यहाँ पे जो है इस्कॉन मंदिर का स्थापना करवाया गया। देख सकते हैं ये जो है वृंदावन का इस्कॉन टेम्पल बहुत ही पूरा दुनिया में बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि ये अपने आप में एक अलग ही आकर्षक है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत और काफ़ी भव्य ये वृंदावन का इस्कॉन टेम्पल देख सकते हैं। और इसकी खूबसूरती जो है रात में और भी ज़्यादा भव्य हो जाता है। मंदिर के दीवारों पे जो नक्काशी किया गया है गाइस, वो जो है बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक है, इसी वजह से ये दुनिया के अब प्रमुख मंदिरों में से एक है। इस्कॉन मंदिर बहुत ही खास माना जाता है इसी वजह से, क्योंकि खूबसूरती की बात करें तो भैया प्रेम मंदिर के बाद ये इस्कॉन मंदिर ही आता है। इतिहास तो सभी को आप लोगों को बता देगा, लेकिन खूबसूरती जो हर कोई नहीं दिखा पाएगा, जो खूबसूरती हम आप लोगों को दिखाएंगे इस्कॉन। आप लोगों को बताए थे कि रात में जो इस्कॉन मंदिर की खूबसूरती और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। देख सकते हैं रात हो चुका और लाइटिंग का सिस्टम आप देख सकते हैं किस तरह से लाइटिंग यहाँ व्यवस्था किया गया, बहुत ही खूबसूरत। वरण के लोगों के द्वारा यहाँ पे देख सकते हैं हरे रामा हरे कृष्णा होता है और सभी लोग उनके धुन पे झूम उठते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे रोजाना यहाँ पे होता है और पर डे शाम में होता है इस्कॉन मंदिर में रोजाना जो शाम को
भव्य आरती होता है, उस आरती को देखने के लिए दूर दूर से रोजाना काफ़ी लोग आते हैं। हालांकि ये मंदिर में तो दर्शन करने के लिए देश विदेश तक के भी लोग आते रहते हैं, क्योंकि ये मंदिर उसी वजह से ज़्यादा फेमस और खास कहा जा सकता है, क्योंकि फॉरन से भी काफ़ी लोग और अंग्रेज भी यहाँ पर रोजाना आते हैं। उनके द्वारा जो यहाँ पर जो आरती गाया जाता है, भजन गाया जाता है, वो ज़्यादा खास माना जाता है। वहाँ पर आरती हो रहा है, अभी हम जाएंगे उस जगह पर और आप लोग दिखाएंगे कि किस तरह से अंग्रेजों द्वारा यहाँ पर आरती गाया जाता है। आज आप लोगों को हम दर्शन करवाएंगे इस्कॉन मंदिर में श्री राधा कृष्ण का, जो मंदिर में स्थापित है वो हम आप लोगों को दिखाएंगे। यूं ही नहीं, वृंदावन का इस्कॉन मंदिर काफी खास माना जाता है। देख सकते हैं गाइस, मंदिर के अंदर में भी आप लोगों को प्रसादी का दुकानें मिल जाएगा। इस साइड पेयजल का सुविधा है और इस साइड देख सकते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पे जो भी होता है इस्कॉन मंदिर का, लाइव दर्शन कर सकते हैं उसका सारा यहाँ सिस्टम किया गया है। यहाँ से देख सकते हैं ऑनलाइन आप लाइव दर्शन कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी इसका चैनल है, वहाँ से भी आप लाइव दर्शन कर सकते हैं। रोजाना जो आरती होता है वो आप लोग ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं। इस्कॉन मंदिर जिनके द्वारा स्थापित किया गया है उन्हीं का ये मंदिर है, देख सकते हैं उनका भी यहाँ पर पूजा होता है। सभी इस्कॉन मंदिर में इनका जरूर प्रतिमा रहता है और पूजा भी होता है। यहाँ पे भक्त देख सकते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं इस्कॉन मंदिर का म्यूजियम में, देख सकते हैं यहाँ पे राधा कृष्ण का काफ़ी खूबसूरत एक मूर्ति रखा हुआ है और इस साइड से और भी काफ़ी अन्य देवी देवता हुए हैं, तो आप देखते हुए आप राउंड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 3D लाइट द्वारा जैसा लग रहा है कि आग जल रहा है ऐसा कुछ बनाया हुआ है। दीवारों पर जो 3D पेंटिंग और काफ़ी खूबसूरत मंदिर जो है बनाया गया है, मतलब मूर्तियाँ यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है, ये देख सकते हैं ऐसा लग रहा है जैसे लग रहा है कि रियल में है। इस्कॉन मंदिर के अंदर आप लोगों को बुक स्टोर मिलेगा, जहाँ पे इस जगह से रिलेटिव काफ़ी सारा और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी इतिहासिक बुक आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। और इस साइड है गिफ्ट शॉप, जहाँ पे आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हर एक वो ऐतिहासिक चीज़ एवं अनोखा चीज़ यहाँ पे मिलेगा। देख सकते हैं ये सब चीज़ जो है आप लोगों को बाहर नहीं मिलेगा, जो आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं सभी लोग जो राधे कृष्ण के धुन पे झूम रहे हैं, हरे कृष्णा। गाइस तो सभी कुछ आप लोगों को पूरा इस्कॉन मंदिर का टूर करवा दिए हैं, तो गाइस वीडियो को यहीं पर इन करता है। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों को बता देते हैं कि हम जो है इस्कॉन मंदिर दो बार आए, दिन में आए और शाम में आए, तो दोनों फुटेज आप लोगों को मिला के हम आप लोगों को दिखाए होंगे। तो गाइस वीडियो को जरूर आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सभी लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर दीजिएगा भैया। और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।